करता हूँ, नहीं ना बोल थिंक कि कोई भी चीज ऐसा कोई गेम प्लान था, है ना। व्हाटएवर ईश्वर, मैं भजन हमेशा बोलता हूँ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, तो उन्होंने किया मेरा नाम हो गया, बात है ना। ये मैंने एवी में भी पहले एवी में भी बोला था, एक विनोद अग्रवाल करके है जो पहला एवी था, तो मैं इस चीज से मानता हूँ, आई नेवर प्लेड एनीथिंग, आई नेवर प्लेड विद एनीबॉडी, एंड इट जस्ट आई एम जस्ट हियर, my head was also broken, लेकिन here I am, 4 days before, 4 दिन पहले कुछ टूटे हुए दिल के टुकड़ों को जोड़ के एक पॉलिथिन में हूँ, और दिमाग को भी मतलब टूटे हुए दिमाग को ना जोड़ के मैं एक पॉलिथिन में यहाँ पे खड़ा हूँ, तो 12 तारीख तक यहाँ रहूंगा मैं, और इंशाल्लाह शायद जीत भी जाऊँ। मुझे प्रियंका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। जब ऑडियंस आई थी आपने बड़े कॉन्फिडेंटली कहा था कि आप सारा गेम यहाँ से खेलते हो, बट कहीं ना कहीं आपका दिमाग ज्यादा चलता है टोटली। सो अच्छा इंसान का टैग क्या आप लेना चाह रहे हो फिनाले से पहले, क्योंकि D8 डोमिनेशन को कम करना, अर्चना के साथ प्लान झगड़े करना, टीना को अकेले पाकर उनसे दोस्ती करना, और आप शालीन के साथ भी एक फ्रेंडशिप लाना, तो आपको क्या डर है? आप क्यों सीना ठोकर ये नहीं कह सकती है कि हाँ मैंने दिमाग से खेला और अच्छा खेला कि मैं फिनाले तक आई हूँ? क्या अच्छा इंसान वाला टैग? ये पूरी जो पहेली है वो मैं थोड़ा सा सुलझाती हूँ। तो अर्चना के साथ प्लान झगड़े हमारे कभी नहीं हुए, हम दोनों के अभी भी ऐसे ही नेचर है कि लड़ पड़ते हैं किसी भी बात पर। हाँ हम ये सब बातें बोलते थे कि यार मंडली तो फैमिली बना के बैठी है, हम यहाँ बोर हो रहे हैं, क्या करें, हम आपस में ही झगड़ लें, ये लेकिन एक कॉन्वर्जेशन हम मस्ती मजाक में करते थे, पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसके साथ मेरा प्लान झगड़ा होगा, क्योंकि ये सर में दर्द कर देगी इसके साथ प्लान झगड़े में भी। सेकंड, टीना को अकेले पाकर दोस्ती बिल्कुल नहीं हुई। टीना से मेरी दोस्ती तब थी जब अंकित भी यहाँ था, तो वो हमारी दोस्ती धीरे धीरे बिल्ड ज्यादा अच्छे से हुई है, लेकिन कभी ये नहीं था कि टीना को अकेले पाकर दोस्ती हुई। रही बात शालीन की, तो शालीन के साथ मेरा हमेशा से एक रिश्ता था फन वाला, जो चीजों से मुझे प्रॉब्लम था वही चीजों पे मेरी इनसे अनबन भी हुई थी और डायरेक्ट हुई थी, वो किसी की वजह से नहीं हुई थी, वो मेरी इनसे डायरेक्ट हुई थी, तो इट वॉज नॉट अ प्लान, नॉट एट ऑल। और एक सवाल जो आपने अभी किया था कि हाँ माइंड का, तो ऑफ कोर्स ये बात मैं खुद बोलती हूँ कि मैं दिल से करती हूँ, मेरे को इतना समझ जब टास्क होने लगता है तब तो मुझे लगता है क्या टास्क है, इजी से है, लेकिन धीरे धीरे वो पजल जैसा लगने लगता है, फिर मुझे उसे सुलझाने में बड़े मजे आते हैं, वहां मैं दिमाग जरूर यूज करती हूँ ड्यूरिंग द टास्क, लेकिन अदरवाइज कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई स्ट्रेटजी या प्लान नहीं, दैट्स नॉट माई कप ऑफ टी। हाय गाइस, मेरा नाम नवाज कोचरा है, मैं मिस मालिनी से हूँ, और मेरा सवाल है शालीन से। हाय नवाज। शालीन, जैसे कि आपने कहा 4 दिन बचे हैं, 4 महीने निकल चुके हैं, हाँ जी, आपको लोगों ने फेक कहा है, आपको कहा गया है कि आप एक्टिंग करते हैं, कहीं ना कहीं हमने देखा है कि आप ये गेम लड़कियों के सहारे से खेलते हुए आए हैं, पहले सुम्बुल थी, फिर सौंदर्या, फिर टीना, फिर प्रियंका, अर्चना बच गई उस चंगुल से, लेकिन आने वाली अब मुझे ये जानना है आपसे कि अभी भी जैसे कि आपने कहा आप 15 साल से काम कर रहे हैं, फिर आपने कहा कि अब तक मैं शाली नहीं बना, तो कहीं ना कहीं आपका एक बड़ा सा कंफ्यूजिंग सा नैरेटिव हमें देखने को मिल रहा है।